Hello children, in the last video we have seen the concept of quadratic formula, we have seen how to find the discriminant and we have seen the nature of roots. Now we will do exercise 4.3. okay, so from question number first of exercise 4.3, what it says: find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. We have also studied the method of how to find the solutions of quadratic equation by the method of completing the square. Okay, so we will solve first question of first 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0 by the method of completing the square. Okay, so I am doing directly the solution. So given what we have, 2x square minus 7x plus 3. Okay, what we have to do is to make this coefficient of x square 1. यही हम करते हैं ना, कि किसी तरीके से कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या करते हैं, 1 बनाते हैं सबसे पहले. तो ये जो नंबर है, इससे क्या करता हूँ कि मैं LHS एंड RHS वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. सो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, सो जब मैं 2x स्क्वायर अपॉन 2 करूंगा तो ये 1 हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाय 2 ऑफ x प्लस 3 बाय 2 इज इक्वल टू 0. ओके, ना अब जो 3 बाय 2 है, इस प्लस का है, उसको RHS भेजूंगा तो नेगेटिव का हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 बाई 2. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज टू मेक अ फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या बनाना है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है. ठीक है, तो यहाँ सबसे बेस्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा किसका, ए माइनस बी होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, हम इस फॉर्मूले हमारा क्या है एप्लीकेबल है. तो इसमें जो आर एच एस में है क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, इस फॉर्मेट में हमको इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में चेंज करना है. कैसे, पहले हम इस इक्वेशन को ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स का होल स्क्वायर. ओके, माइनस 2 ए और बी की वैल्यू इस तरीके से डिजाइन करना है कि हमारा जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारा 7/2 आए. तो मैंने 7/4 लिया है. क्यों, तो जब मैं 2 से 4 कैंसिल करूंगा 2 टाइम्स, तो और यहाँ पे x है तो 7/2x मेरे को यहाँ मिल जाएगा. तो यहाँ मेरे को b की वैल्यू मिल गई. ठीक है, अब b की वैल्यू क्या करूंगा, मेरे को फॉर्मूला बनाना है. तो प्लस 7/4 का स्क्वायर और इसको माइनस कर दूंगा एक बार, ताकि मैं इसको जीरो करूँ, कैंसिल आउट करूँ तो जीरो हो जाएगा. तो वापस को इक्वेशन को सॉल्व करने पर मेरे को यही इक्वेशन मिलती है. ओके, तो ये हमारी इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं हुई है. ठीक है, अब इज इक्वल टू माइनस 3/2 हमारा चल ही रहा है. ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ओके, तो क्या होगा, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 7/4 का स्क्वायर है, बस आर एच एस ट्रांसफर करूंगा तो प्लस का हो जाएगा. तो माइनस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर चल ही रहा है, इज इक्वल टू माइनस 3/2, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, ओपन कर दिया. अब मैं आर एच एस को सॉल्व करूंगा, तो आर एच एस को सॉल्व करूँ तो एलसीएम क्या आएगा, 16. ठीक है, 2 से 8 टाइम, 8 थ्री जा 24, तो माइनस 24 प्लस 49, तो 49 में से 24 माइनस किया तो क्या बचेगा मेरा, 25/16, और एल एच एस हमारा सेम चल ही रहा था. ओके, सो एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल 25/16. अब जब मैं यहाँ से स्क्वायर आर एच एस में ट्रांसफर करूंगा तो ये रूट हो जाएगा. ओके, क्या बनी स्टेप, एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टू रूट ऑफ 25/16. तो 25 किसका स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो 5 का, और 16 4 का. तो प्लस माइनस, जब रूट से कोई वैल्यू बाहर आए तो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 5/4. ये स्टेप हमारी आ गई है. ओके, अब मैं क्या करूँगा, एक बार इसको प्लस से कंसिडर कर लूंगा और एक बार रूट को माइनस से कंसिडर कर लूंगा. तो जब मैं यहाँ से प्लस का लिया 5/4 और यहाँ लिया माइनस 5/4, जब मैंने इसको सॉल्व किया 7/4 को ट्रांसफर करूंगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और सॉल्व किया तो क्या मिला मेरे को, एलसीएम लिया 4 आया, 7+5 12/4, और 4 से ये गया 3 टाइम्स. सिमिलरली एक्स माइनस 7/4, 7/4 ट्रांसफर किया प्लस का हो जाएगा, 7/4 माइनस 5/4 एलसीएम के थ्रू 7-5 सॉल्व किया हमने, ये हो गया हमारा 2/4, मतलब कि 1/2. तो रूट्स हमारे कहने के लिए x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2, तो रूट्स क्या है, 3 एंड 1/2. ठीक है, इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा, फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा. तो सेकंड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन आर होमवर्क. थर्ड क्वेश्चन से सॉल्व करना रूट का है, तो रूट
जब हमारे पास हमारे क्वेश्चन में रूट आ जाए तो किस तरीके से इसको डील करना है समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। ओके नाउ गिवन क्या है, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, तो मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड, इसको मेरे को 1 करना है कैसे भी करें, तो जो भी टर्म उससे डिवाइड कर दो, तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 वी गेट, तो इससे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया x² आ गया, 4 रूट 3 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल रूट 3x और प्लस 3 बाय 4 इज इक्वल टू 0, 3 बाय 4 को इधर ट्रांसफर करो तो नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना, दोनों में प्लस हम दिख रहे हैं बोथ ही साइड्स ऑफ प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब x² प्लस 2a, अब मेरे को रूट 3 चाहिए और मेरे को 2 भी हटाना है, तो मेरे को रूट 3 बाय 2 लेता तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट 3x मेरी टर्म डिस्टर्ब नहीं हुई है। सिमिलरली जब मेरे को बी टर्म यहाँ पे मिल चुकी है रूट 3 बाय 2, तो इसको मैं रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस और जब माइनस ही किया इसका रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर, तो कैंसिल आउट होकर टर्म डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। और RHS माइनस 3 बाय 4 हमारा चल ही रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा हमारा ये x प्लस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर है हमारे पास इक्वल टू माइनस 3 बाय 4। नाउ x प्लस रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 4, इसको ट्रांसफर किया RHS में, तो x प्लस रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर हमारे पास चल ही रहा है इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 4, इसको ट्रांसफर किया प्लस का हो गया तो प्लस 3 बाय 4, अभी माइनस 3 बाय 4 प्लस 3 बाय 4 0। ओके तो क्या है, x प्लस रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अब ट्रांसफर करूंगा इधर रूट हो जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट को 0 0 ही होता है, तो क्या हुई x प्लस रूट 3 बाय 2 के इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट, ओके तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, जब मैं रूट 3 बाय 2 को इधर ट्रांसफर करूं तो माइनस रूट 3 बाय 2, रूट्स क्या आ गए माइनस रूट 3 बाय 2 एंड माइनस रूट 3 बाय 2 इक्वल रूट्स आए हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने ये सारे सॉल्व किए, हमने देखा फर्स्ट और थर्ड मैंने सॉल्व किए हैं, किस तरीके से हमने सॉल्व किए कंप्लीट वी स्क्वायर से, अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे इसको सॉल्व करना है ये देखो, तो फर्स्ट देखता हूं इसका, मेरे गिवन है फर्स्ट में गिवन क्या है 2x² माइनस 7x प्लस 3। अब जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके देखूं तो हेयर ए की वैल्यू क्या है कोफिशियंट ऑफ x² 2, बी की वैल्यू क्या है कोफिशियंट ऑफ x माइनस 7 और सी की वैल्यू 3, ठीक है। अब पैसे से पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालते हैं मैंने बताया था, इससे पता पड़ जाता है कि नेचर कैसा है, अगर नो रियल रूट्स होंगे तो सॉल्व आगे होगा ही नहीं, और अगर रियल रूट्स या फिर इक्वल रूट्स या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो हमारे सॉल्व हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला मेंशन करना कौन सा लगा रहे हो, ये हेल्प करेगा मास्टर्स को करने में, ओके। तो डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस 7, तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू सी 3, ओके। तो माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जो 8 3 जो 24, ओके। तो डी की वैल्यू क्या है 25, हम देख रहे हैं डी की वैल्यू 25 मतलब कि डी इज ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। देयरफॉर रूट्स आर डिस्टिंक्ट अनइक्वल रूट्स होंगे, ओके। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो फॉर्मूला मेंशन करना है, तो मैं देख रहा हूँ फॉर्मूला माइनस पहले से ही है, ये माइनस रखा मैंने, ओके। और बी की वैल्यू क्या है माइनस 7, बी की वैल्यू माइनस 7 है, तो मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू क्या रख दी माइनस 7। अच्छा दोनों माइनस अलग अलग है, ये माइनस फॉर्मूला मेंशन है और ये बी की वैल्यू है माइनस 7, ओके। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली 25, ओके, अपॉन 2a मतलब कि 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 प्लस माइनस 25 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 5, ओके, डिवाइडेड बाय 22 4। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो मैं क्या करूंगा, एक रूट को ले लूंगा प्लस के साथ, एक रूट को ले लूंगा माइनस के साथ,
किस तरीके से x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 बाय 4 प्लस ले लिया एंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 बाय 4। ठीक है, अब मैंने सॉल्व किया तो 7 5 12 बाय 4 और यहाँ पे 7 माइनस 5 2 बाय 4, तो 4 से 3 टाइम्स एंड 2 से 1 बाय 2। तो रूट्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 बाय 2। अब एक चीज ऑब्जर्व की हो आपने, तो हमने इसी क्वेश्चन को जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया तो हमने देखा कि रूट्स है 3 बाय 3 एंड 1 बाय 2। सिमिलरली जब इसी क्वेश्चन को मैंने कंप्लीटली स्क्वायर से सॉल्व किया था तो मेरा आंसर भी आया था 3 एंड 1 बाय 2। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे, अगर उसके रूट्स डिस्टिंक्ट और इक्वल होंगे तो किसी मेथड सॉल्व करोगे आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमने जब सेम क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से सॉल्व किया, हमने देखा कि रूट्स हमारे सेम आ रहे हैं, तो हमारे रूट्स यही और आंसर हमारा सही है। ओके, सिमिलरली जो रिमेनिंग ऑफ थ्री क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो रिमेंबर वन थिंग, एक चीज मैं बता दूं कि मेरे को यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जितने भी लीव कर रहा हूँ, आई वॉन्ट ऑल दोज क्वेश्चन इन योर नोटबुक। ओके, इट इज कंपल्सरी। So that's all for today. Thank you so much. Next video on question number 3 से देखेंगे. Thank you.